वैसे मौका तो था राजस्थान को मिलने जा रही पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ही अंदाज में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर कटाक्ष करने से नहीं चुके। एक दिन पहले ही राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस के बड़े नेता सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार के विरोध में अनशन किया था। कुछ घंटे बाद आज मोदी को इस कार्यक्रम के जरिए राजस्थान की जनता से रूबरू होने का मौका मिला था। 17 मिनट की स्पीच में पीएम ने पहले तो वंदे भारत ट्रेन की खूबियां गिनाई, कई प्रोजेक्ट के नाम लिए और भाजपा सरकार के काम बताए, और फिर कांग्रेस की पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए आखिर के दो मिनटों में सीएम गहलोत का नाम लेकर बड़ा इशारा भी दे दिया। गहलोत जी का विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इन दिनों वो राजनीतिक आपाधापी में उनका अनेक संकटों से वो गुजर रहे हैं, उसके बावजूद भी विकास के काम के लिए समय निकाल करके आए, रेलवे कार्यक्रम में हिस्सा लिया, ये मैं उनका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। और मैं गहलोत जी को कहना चाहता हूं, गहलोत जी आपके तो दो दो हाथ में लड्डू है।